ये जो मैं अपडेट आपको बताने जा रहा हूँ 2023 का सबसे बेस्ट अपडेट दिया है योनो एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। जैसा कि आपको मालूम होगा आपके पास एसबीआई का खाता है तो एक नियमित समय के बाद आपको केवाईसी कराना पड़ता है। केवाईसी कराने के लिए आप बैंक और ब्रांच भी जाते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे योनो एसबीआई में केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आपको योनो एसबीआई में अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास योनो एसबीआई में अकाउंट बना हुआ नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि योनो एसबीआई में अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अकाउंट बनाने के बाद आप सिंपली योनो एसबीआई को ओपन कर लेंगे। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे योनो एसबीआई ओपन हो चुका है और यह जो है अपडेट केवाईसी कर सकते हैं अपने खाते में। अगर आप एसबीआई के नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो वहां से भी आप कर सकते हैं और योनो एसबीआई से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और यहां पे अपना एम पिन इंटर करेंगे। बाद आप योनो एसबीआई के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं इस पेज को आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद यहां पे देख सकते हैं क्विक लिंक्स के नीचे में अपडेट केवाईसी दिया गया है। तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे योर केवाईसी इज अपडेटेड, तो यहां पे इस तरह से अगर आपका लिखा आता है तो आपका केवाईसी आपके खाते में अपडेट है। अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम आपको केवाईसी करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर यह लिखा हुआ नहीं आता है तो आगे का प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहेगा। आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होनी चाहिए। इसके बाद यहां से आप अपने खाते का केवाईसी कर सकते हैं। योनो एसबीआई में एक और खास अपडेट दिया गया है। जैसे कि आप अकाउंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं गो टू अदर बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो यहां पे आप क्लिक करने के बाद अदर बैंक अकाउंट का भी डिटेल्स यहां पे मालूम कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बना दिया गया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। और भी आने वाले समय में अगर योनो में कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।